गाजियाबाद से बड़ी खबर, शमशान हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत। जिले के मुरादनगर कस्बे में रविवार की सुबह शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने पहुंचे लोग हादसे का शिकार हो गए। बारिश के चलते शमशान घाट की छत भरभराकर गिर पड़ी, जिसमें करीब 40 लोग मलबे में दब गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गाजियाबाद के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए। हादसे की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसोस जाहिर किया है। साथ ही डीएम और एसएसपी को तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने और घायलों की मदद करने का आदेश दिया है। आपको बताते चले कि मुरादनगर में बंबा मार्ग पर शमशान घाट परिसर में एक होल की छत और दीवार गिर गई, जिसमें करीब 40 लोग मलबे में दब गई है। सभी लोग अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। बारिश तेज होने के कारण सभी लोग गैलरी में लेंटर वाली छत के नीचे खड़े हुए थे, तभी अचानक से पूरा लेंटर भर भरा कर अंदर खड़े लोगों के ऊपर गिर गया। इस हादसे में वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। वहां आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मुरादनगर समेत आसपास के थानों से पुलिस मौके पर पहुंची है, फायर ब्रिगेड को भी बुलाया है। गाजियाबाद एनडीआरएफ को भी जिला प्रशासन की ओर से सूचना दे दी गई है। पुलिस रेस्क्यू कर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भारी दिक्कत आ रही थी और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सहित आईजी प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का संचालन कर रहे थे। मुख्यमंत्री से जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर में छत गिरने की घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। हादसे में मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। मंडलायुक्त मेरठ व एडीजी मेरठ जोन को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर में छत गिरने की घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे में मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंडलायुक्त मेरठ एवं एडीजी मेरठ जोन को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। शेड टाइप का स्ट्रक्चर था, वो उसके गिरने से वहाँ पे करीब 38-40 लोग थे। उसमें 38 लोगों को इवैक्यूएट करके यहाँ से निकाला गया है। उसमें 17 लोगों की डेथ अभी हो चुकी है और बाकी लोग का सबका इलाज चल रहा है यहाँ पर अस्पताल में। और इसमें जांच करके जो भी दोषी है, इसमें चाहे ठेकेदार है या नगर पालिका के और अधिकारी कर्मचारी हैं, जांच करके हम लोग यथाशीघ्र इसको कार्रवाई निर्धारित करेंगे और आवश्यकतानुसार विभागीय कार्रवाई या जो भी क्रिमिनल कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। समय भी है कि इतने घंटे बाद अदालत इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं, उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं।
और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। आपका नाम? योगेंद्र कुमार। ये किसकी मृत्यु हुई थी, किसको अंतिम संस्कार करने आए थे आप लोग? जयराम का। जयराम जी, तो उसमें क्या हुआ, कैसे? उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अच्छा, फिर? और उसके यहाँ आत्म शांति के लिए वहाँ लोग खड़े हुए थे। ठीक, फिर उसके बाद ये अचानक से जो है ना, ये लैंटर गिर पड़ा। लैंटर गिर। आप कितने लोग थे लगभग? लगभग 30-35 आदमी थे। 30-35 आदमी थे। उसमें कितने आदमी ऐसे हैं जो जख्मी हुए, कितने की मृत्यु हुई? कम से कम 5-6 आदमी बचे होंगे, बाकी सब एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, तो आप मौके पे थे? नहीं, हम तो तुरंत भाग कायदे से बताया गया हमें। अच्छा अच्छा, तो बचाव कार्य में आप थे यहाँ पे? बचाव कार्य में यहाँ लगे, सुबह से लगे पड़े, सब लगे पड़े, अपने हाथों से खुद ही गाड़े। आपका नाम जी? आपका नाम बता दो। मेरा नाम देवेंद्र कुमार। ये आपके रिलेशन में थे? क्या नाम था इनका? जयराम जी। जयराम जी, जिनकी मृत्यु हुई थी। हाँ जी। तो उनके जैसे ये हादसा जो हुआ है, जो आप लोग खड़े हुए थे प्रार्थना के लिए, तो उसमें हुआ है ये हादसा या पहले ही हो चुका था? नहीं, जब हम आए थे आत्मा की शांति के लिए जी, तो हम यहाँ पे आत्मा की शांति के लिए खड़े थे, तो एकदम आवाज आई, एकदम आवाज एकदम गिर गया, तो पता नहीं चला कब में गिर गया। अच्छा अच्छा, तो उसमें काफी लोगों की, कितने लोग हो सकते हैं लगभग? लगभग 25-30 तो मान के चलो। अच्छा, मतलब उनमें कुछ लोग बचे भी, अब सारे जख्मी कितने हो गए? दो तीन बचे हैं। अच्छा, पाँच छह आदमी है जो देवी पाँच आदमी है। आपका नाम जी? मेरा नाम श्रीयंग गोस्वामी। क्या हुआ, ये हादसा कैसे हुआ? ये हादसा पता नहीं जी, यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ कॉलोनी में एक्सपायर एक आदमी एक्सपायर हो गया, उसे अजल मजल करने के लिए यहाँ पे शमशान में लाए थे। क्रिया करने के बाद में जैसे पंडित जी बुलाते हैं, उसे बुलाया होगा, हम उस टाइम पे यहाँ नहीं थे, तो वे यहाँ पे इकट्ठे कर लेते हैं आदमी, जैसे हम पहले आते थे किसी के साथ में, कभी भी आते हैं तो उसके साथ में वो खड़े करके उन्हें बताता है कि भाई क्रियाक्रम ये होगा, फूल कब चुगे जाएंगे, इस तरीके से आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। बूंद बूंद। तो जब आप यहाँ आए तो यह हादसा हो चुका था? हो चुका था। तो फिर आपने देखा, क्या देखा? हमने ये देखा जी, पब चफेरे से आदमी इसके नीचे दबे हुए थे, मलबे में नीचे दबे हुए थे। कुछ आदमी बाहर थे जिनके पैर दब रहे थे, कुछ की छाती दब रही थी, तो कुछ लोगों ने बल्ली निकाल लगा लगा के उठाए, कुछ निकाले जिंदे निकाले। हमने कई आदमी यहाँ से, हमारी कॉलोनी के थे दो तीन आदमी जो हमने यहाँ से जिंदे निकाले, वे एम्बुलेंस में लग करवाए। जब आप आ चुके थे, पुलिस प्रशासन नहीं आई थी तब तक? पुलिस दो तीन पुलिस वाले आगे थे। अच्छा, पुलिस वाले दो तीन आगे थे, और कोई टीम ऐसी एनडीआरएफ की कोई टीम नहीं यहाँ नहीं थी। अच्छा, हाँ, पब्लिक नहीं, यहाँ जो भी करा पब्लिक नहीं करा, यहाँ जो भी करा पब्लिक नहीं करा, पब्लिक नहीं निकाले, पब्लिक ये तोड़ तोड़ के क्रेन की सहायता से। लगभग कितने आदमी होंगे इसके अंदर? लगभग करीब आरडीएस तो 50 आदमी कम से कम होंगे जी। हाँ, तो कितने बचे जिन हमने तो करीब जी घायल कितने? चार तो इधर से निकाले जो घायल हुए, चार पांच इधर से निकाले, 6-7 इधर से, करीब 20-25 आदमी हमने जो घायल अवस्था में थे भी निकाले यहाँ से। अच्छा, 20 आदमी करीब। तो लगभग कितने लोगों की मृत्यु की संभावना है? करीब 25-30 आदमी तक एक्सपायर हो चुके होंगे। अभी पुष्टि नहीं हो पाई है? अभी पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि हम तो सब जो भी था आदमी उसमें लग रहा है निकालने के लिए, दर्जन आदमी निकालने के लिए, वे गिनती थोड़ी ना करेंगे, ऐसे टाइम पे हम गिनती थोड़ी ना करें, नहीं ध्यान रख लेते। अब क्या हो रहा, हम तो जैसे भी जिसमें चल रहा था एम्बुलेंस में करवाए थे बेचारे को, और भैया चल ले जाते एम्बुलेंस में भिजवा देते, जितनी हेल्प लोगों ने हुई उतना करा। हम L&T से एडमिन मैनेजर हैं, अपनी पूरी मशीनरी JCB सब यहाँ पे भिजवा दिए हैं, जितना भी राहत कार्य में हम उनको मतलब हम लोग कर दे पा रहे हैं, पूरा दे रहे हैं। हमारे ट्रैफिक मार्शल, सिक्योरिटी, एम्बुलेंस ड्राइवर, सारी मशीनरी के हाइड्रा क्रेन सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, और हम लोग पूरी मदद यहाँ पे जितना भी हो सके पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे डटे हुए हैं। हमारे मार्शल, ड्राइवर सब लोग लगे रहेंगे जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। आपको सूचना किस समय मिली? हमको सूचना यहाँ पे 40 मिनट पहले मिली थी, और तुरंत ही हम यहाँ पे 10-15 मिनट में अपनी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पहुँचा दिए, क्योंकि हमारे कार यहीं बगल में ही चल रहे थे, ऑन रोड थे, तो जो भी मशीनरी थी यहाँ पहुँचाए, बाकी अब ऊपर गेट से भी मशीनरी आई, और हमारे रेस्क्यू के कुछ लोग और भी टीम के लगे हुए हैं, और ये सब मशीनरी हमारी चल रही है, लोग लगे हुए हैं, सारी क्रेन JCB रेस्क्यू एम्बुलेंस वाले सब लगे हुए हैं। JCB जो भी है हमारी चल रही है L&T की, ये हम ट्रैफिक मार्शल का काम करते हैं, जैसे ही पता लगे हमने पूरी फोर्स के साथ हमारे जितने भी ट्रैफिक मार्शल थे हम यहाँ पे पहुँच गए, एकदम रात कार्य में जो हमारे से मदद हमने करी।